कोरोना का संक्रमण पूरे देश भर के लिए एक संकट का बहुत बड़ा मसला बना हुआ है, और ऐसे में जब तबलीगे के जमात के तौर पर एक बहुत बड़ी लापरवाही बरती जाती है और 3000 से ज़्यादा लोग संक्रमण के घेरे में आ जाते हैं, जिसमें से 500 संक्रमित के आधार पर अस्पतालों में पहुंच जाते हैं, तो फिर ये बात की चिंता होती है कि क्या तबलीग जमात वाकई में सब कुछ सही कर रहा था? क्या वाकई में आज अल्पसंख्यकों को बरगलाने की एक बड़ी कोशिश हमारे देश में है? बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं केरला के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। खान साहब, बहुत स्वागत है न्यूज़ नेशन पर आपका। बहुत धन्यवाद आपका। खान साहब, आप एक ऐसी आवाज रहे हैं जिन्होंने राजीव गांधी की सरकार के समय भी मुस्लिम तुष्टिकरण को एक अलग नजरिए से स्थापित किया था और राजीव गांधी की सरकार को भी आगाह किया था, लेकिन आज जमात की जो गतिविधि दिख रही है दिल्ली में और जिसकी वजह से बहुत बड़े पैमाने पर संक्रमण की बात आ रही है कोरोना की, इसे देखते हुए आप क्या कहेंगे? मैं कहूंगा कि ये साधारण अपराध नहीं है, ये देश के खिलाफ अपराध है, मानवता के खिलाफ अपराध। हम एक बहुत बड़े संकट से हमारा सामना है। कल हम सब लोगों ने इसका संज्ञान लिया है जी, कल की घटना के बाद। लेकिन अगर आप YouTube पे जाएं और मुझे किसी ने क्लिप भेजा तो मैं उसको चेक करने के लिए YouTube पे गया जी, तो वहां तो एक के बाद एक भाषण है उनके, जिसमें वो इस लॉकडाउन को कॉन्स्पिरेसी बता रहे हैं जी, जिसमें वो कोरोना वायरस के लिए कह रहे हैं कि आपको कहा जा रहा है कि आप यहाँ मत आइए, मैं आपसे कहता हूं कि जब तक आप यहीं रहिए, और इस हद तक जा रहे हैं जी, कि कह रहे हैं, मेरे नजदीक कल दिल्ली में जो कुछ हुआ उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है इनके ये भाषण, चुके इन भाषणों को किसी को 80,000 लोगों ने सुना है, किसी को 70,000 लोगों ने सुना है जी, और वो कहीं किसी छोटे गांव में है, किसी छोटे कस्बे में है, तो वो तो जो लॉकडाउन है उसको तोड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये उनसे कह रहे हैं कि अगर आप अपनी आंखों से भी देखें किसी को मरते हुए मस्जिद में, तो कह दीजिए कि मरने के लिए सबसे अच्छी जगह यही है। बिल्कुल। और गौर से अगर आप जरा उन भाषणों को सुनिए तो पीछे से बैकग्राउंड से लोगों के खांसने की आवाजें आ रही जी, ये दिस इज नो ऑर्डिनरी क्राइम, ये कोई साधारण अपराध नहीं है, ये तो ऐसे लगता है जैसे इन्होंने बिल्कुल, मुझे मेरे दिमाग में ये संदेह आता है जी, जैसे पूरा सरकार जो कुछ कर रही है जी, उसको नाकाम करने के इरादे से ये साजिश रची गई, बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है। अरे साहब, आप साजिश की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है आपके पास ज़्यादा जानकारी भी होगी और समझ भी है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल उठता है, मौलाना सादा जो जिस तरह की भाषा इस्तेमाल करते हैं, उनका कहना था कि मस्जिद बिल्कुल मत छोड़ो, मैंने वो यूट्यूब क्लिप आपने जिसका जिक्र किया उसे देखा और पूरी आवाज़ को उनकी सुना, मस्जिदों को मत छोड़ो, नमाज मत छोड़ो, मस्जिद के भीतर आकर नमाज करो, ऐसी साजिश करने वाले मौलाना को हम क्या सजा दे सकते हैं और क्या किया जाना चाहिए ऐसे मौलानाओं का जो अल्पसंख्यकों को बड़े पैमाने पर भड़का रहे हैं? जब आप सजा देने की बात करते हैं तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अगर आप एक दो लोगों को सजा देने में कामयाब भी होते हैं तो उनकी जगह कोई दूसरा आ जाएगा। ये पहले इस पे गौर करिए, पत्तों को पानी मत दीजिए, जड़ को पानी देने की जरूरत है, ये कहां से ये दिमाग पैदा हो रहे हैं जी? मैंने आज नहीं, आज से 12 साल पहले लेख लिखा था, वो लेख मेरी किताब का भी हिस्सा है जी, वो लेख बहुत ज्यादा कोट हुआ है, जहां से ये, जिस जगह से जो इनका स्रोत है, जहां से ये निकलते हैं जी, वहां पर पाठ्यक्रम जो है उसमें जो शिक्षा दी जाती है जी, उसमें एक तरह से सुप्रीमिसिस्ट एटीट्यूड है, हम जो करेंगे देश, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये वाक्य कहा जी, कि शाहीन बाग में संविधान और सेकुलरिज्म की बात करके जी, और मरकज में आके
संविधान की और सेकुलरिज्म की धज्जियां उड़ाइए जी, ये इसका कारण है। मैं जब देवबंद की बात करता हूं तो मैं अच्छी तरह जानता हूं कि कुल 4% बच्चे वहां पढ़ते हैं जी। लेकिन उन 4% का कंट्रोल 90% से ज्यादा मस्जिदों पर है, और वहां पर यहां तो ये जमा थे, ये इतना बड़ा इतनी बड़ी घटना हो गई तो आप इसको चर्चा कर रहे हैं जी। वो जो यहां से निकले हुए लोग हैं वो दूसरी जगह भी इसी प्रकार के भाषण दे रहे थे, ये कोई अकेले यहां पे नहीं दिए जा रहे हैं ये भाषण, बिल्कुल, क्योंकि उन्हें बताया ही ये जाता है, उन्हें पढ़ाया ये जाता है, उनके दिमाग में ये बिठाया जाता है कि हम सिर्फ अकेले सही हैं, हमारे अलावा जो भी कोई हो। और ये सिर्फ आप जो अल्पसंख्यक शब्द प्रयोग कर रहे हैं जी, वो तो हर किसी को काफिर कहते हैं, सिर्फ आपको नहीं कहते, वो मुझे भी कहते हैं, हर उस व्यक्ति को काफिर कहते हैं जो उनसे डिसएग्री करता है। बिल्कुल। तो वहां पे इसकी तो अब आदमी के अंदर एक देखिए, ये लोग अपने आप को आलिम कहते हैं स्कॉलर को जी, ज्ञानी आदमी को जी। इस्लाम में जो परिभाषा दी गई है आलिम की जी, वो ये है कि आलिम को अपने जमाने का जानने वाला होना चाहिए जी। किसी सिर्फ कोई एक किताब पढ़ के नहीं होगा वो, बिल्कुल, उसको उसका उसके पास व्यापक ज्ञान होना चाहिए। इन ये बिचारे ये तो ये कह रहे हैं साहब, मतलब मैं हैरत में रह जाता हूं। मैंने कोई तकरीबन 1 घंटा बैठ के इनकी पूरी तकरीर का टेक्स्ट लिखा जी, और उसमें मैं दंग रह गया देख के कि कह रहे हैं कि मेडिकल एडवाइस, जो चिकित्सकों की जो राय है उसको मत मानिए जी, राय केवल उस चिकित्सक की मानी जा सकती है जो दीनदार हो जी, जो खुदा से डरने वाला हो, और जो आमाल ये कहते हैं तबलीग की, जो ये छोटी छोटी टोलियां बना के भेजते हैं जी, उस गांवों में शहरों में, उसमें जाने वाला हो, सिर्फ उसकी राय मानी जा सकती है। और वो भी अगर ये कहे डॉक्टर है और वो है जो हम में से है, लेकिन अगर वो ये है जी, ये मस्जिद में मत आओ, तो उसकी बात भी मानने से इनकार कर, ये कह रहे हैं कि ये वक्त घर पे बैठने का नहीं है जी, ये वक्त तो जमात का काम करने का है। मतलब इन्होंने ठेका लिया हुआ है, कुरान हमें बताता है जी, कुरान की आयतें एक के बाद एक कहती हैं जी, वलौ शा अल्लाह लजअलकुम उम्मतन वाहिदा, अगर अल्लाह चाहता तो सब एक जैसी आस्था रखने वाले होते जी, एक जगह नहीं आता, बार बार आता, वलौ शा रब्बुकुम, सारे जितने लोग हैं वो सब एक ही राय के रखने वाले होते, एक ही आस्था होती जी। लेकिन इन्होंने ये ठेका लिया हुआ है कि हम सबको एक जगह लेके आएंगे। तो अगर देखा जाए आरिफ साहब, तो ये जो बातें कह रहे हैं जमात के, मैंने पुराने इतिहास को भी उठाकर देखा, फ्रांस की सरकार ने जमात को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की श्रृंखला में रखा है, तो क्या आपको नहीं लगता कि इनकी सोच, इनकी विचारधारा किसी आतंकवादी से कम नहीं है? ये दरअसल आतंकी विचारधारा को आगे प्रोत्साहित करने की ही बात कर रहे हैं। अब आतंक की परिभाषा आप जो भी करना चाहें, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि ये निश्चित तौर से जो जिस सोच से आतंकवाद पैदा होता है जी, ये उस सोच के मानने वाले। और देखिए, जब आप किसी में जी एक सुप्रीमेसिस्ट होने का एटीट्यूड, हम सिर्फ सही हैं जी, हमारे अलावा जितने हैं वो सब गलत जी, वो सब काफिर हैं जी, ये चीज अपने जब सब गलत हैं तो फिर गलत के लिए तो आपके दिल में नफरत ही पैदा होगी, भाईचारे का भाव तो नहीं पैदा हो सकता, बिल्कुल यकीन, ये एक तरह से। और टेररिज्म नफरत से पैदा होता है जी, टेररिज्म किसी चीज से नहीं पैदा होता जी। तो मैंने तो आज नहीं, आज से बहुत साल पहले ये लिखा है, और मैंने एक पाकिस्तानी साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर सुहेल अब्बास को कोट किया था, टाइम्स ऑफ इंडिया में आर्टिकल छपा था जी, जहां 500 आतंकवादी जो अफगानिस्तान में पकड़े गए थे, जिन्हें अफगानिस्तान की सरकार ने पाकिस्तान सरकार के हवाले कर दिया था,
और वो दो जेलों में थे, डॉक्टर सुहेल अब्बास ने हर किसी का इंटरव्यू किया जी। और उसके बाद उनका कंक्लूजन ये था कि इसमें 90% डायरेक्ट जी देवबंदी मदरसों की पैदावार हैं और 10% उनके समर्थक या उनके सिंपेथाइजर। ये मैं आज नहीं कह रहा हूं, बिल्कुल, ये मैं 12-14 साल पहले ये आर्टिकल लिखा। तो अर्ज साहब, एक सवाल है मेरे दिमाग में, देवबंद जो सहारनपुर में है, जहां से आपने कहा कि 4% ही लोग लेकिन पढ़कर निकलते हैं लेकिन वो 90% मस्जिदों पर अपना प्रभाव रखते हैं, वहां पर नियंत्रण की बात क्यों नहीं कही जाती? वो लोग, उन पर हम किसी तरह का नियंत्रण करने की कोशिश क्यों नहीं करते? उनको उनको किसी तरीके से मेनस्ट्रीम में लाने की कोशिश क्यों नहीं करते? वो एक ऐसी विचारधारा को प्रोत्साहित कर रहे हैं जो हिंदुस्तान को टुकड़े टुकड़े कर देगा। ये सवाल तो मुझे आपसे पूछना चाहिए। मैं पिछले 30 साल से इस बात की तरफ देश का ध्यान दिला रहा हूं जी, लेकिन आप आज मुझसे ये सवाल कर रहे हैं जब बड़ी घटना के लिए ये लोग जिम्मेदार हुए हैं। मैं तो लगातार ये बात कह रहा हूं, देखिए आप गौर करिए, ये लोग इंसानों के लिखी हुई ये धर्म के नाम पे हर चीज करना चाहते हैं। अब इस्लाम को अगर धर्म के तौर पे आप लेंगे तो कुरान से बड़ी तो कोई अथॉरिटी नहीं हो सकती, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन ये, और कुरान अपने आप को शरीयत कहता है, सुम्मा जालना का आला शरीयत मिनल अम्र फत्तबिहा, कुरान अपने आप को शरीयत कहता है। ये लोग इंसानों के लिखे हुए कानून को शरीयत कहते हैं। शरीयत क्यों कहते हैं? ताकि आम आदमी की अशिक्षा का फायदा उठाकर उसके दिमाग में ये बात बिठा सकें कि ये अल्लाह का कानून है, ये खुदाई कानून है। तो अब ये बुनियादी बात जो है वो ये है कि ये जो असल में किलर्जी, ध्यान रखिए हमेशा कि ये जो मिडिल मैन है रिलीजन में, ये थ्राइव तब करता है जब ये बहुत मौज में रहता है उस वक्त जब लोगों में जाहिलियत हो, लोगों में अशिक्षा हो, चेतना ना हो, वो अपना फैसला खुद ना कर सकें, उसका ये फायदा उठाते हैं। और इसी यही तो कारण था कि इन्होंने, सर सैयद ने जब एजुकेशन का मूवमेंट शुरू किया तो इन्होंने 68 फतवे लगाए सर सैयद के खिलाफ, और इनकी ताकत कितनी है इससे अंदाजा लगाइए कि सर सैयद सारी जिंदगी लिख के, पढ़ के, बोल के इनके खिलाफ संघर्ष करते रहे, वो फतवों से नहीं डरे। लेकिन इनकी ताकत ये है कि सर सैयद के मरने के 9 महीने के अंदर इन्होंने अलीगढ़ वालों को मजबूर कर दिया ये कहने के लिए हमारी मुखालफत बंद कर दो, हम सर सैयद को छापेंगे ही नहीं। और आपको सुन के ताज्जुब होगा कि आज तक हिंदुस्तान में सर सैयद की राइटिंग्स, सर सैयद की स्पीचेस, सर सैयद के लेटर्स कहीं आपको मार्केट में नहीं मिलते। अब अलीगढ़ वाले, मैं भी जब अलीगढ़ का छात्र था मैं ये नहीं जानता था, लेकिन जब मैंने पढ़ा तो मुझे पता चला कि ये तो एक समझौता हो गया था 9 महीने के बाद। आज अगर आप सवाल पूछे तो कहेंगे कि छपे हुए हैं, कहां पे हैं? वो सर सैयद हाउस में हैं, किसी दुकान पे मिलते हैं? नहीं मिलते। ये इनके प्रभाव का आलम है। और 1986 के बाद एक बात मैं आपको कहता हूं, ध्यान रखिएगा, आजादी के बाद अलीगढ़ का एक कंट्रीब्यूशन था कि अलीगढ़ ने इन लोगों को साइडलाइन कर दिया था, लेकिन 1986 में शाहबानों के बाद इनको मेन स्ट्रीम के कंट्रोल में बिठा दिया गया। और हद ये है कि वो लोग भी जो 1986 में शाहबानों की मुखालफत, शाहबानों में जो सरकार ने किया था उसकी मुखालफत कर रहे थे, उसमें भी एक बड़ा वर्ग आहिस्ता आहिस्ता करके इनका सपोर्टर बन गया। ये हमारी बहुत बड़ा विध्वंस करने जा रहे हैं आरिफ साहब ये लोग। एक सवाल मेरे दिमाग में है, बहुत सारे लोग हैं जिन्हें मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया पर, वो लगातार जमात की के बचाव में सामने आ रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई 11 से 13 मार्च के बीच में ये सब कुछ हुआ, उस समय तक देश में लॉकडाउन नहीं था। मेरे दिमाग में जो सवाल है वो बड़ा साफ आपके सामने रखता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट तौर से मार्च के पहले हफ्ते में कहा था कि इस साल हम होली नहीं मनाएंगे क्योंकि हम एक दूसरे से बचाव रखें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें। क्या इसके बाद भी एक अलग सरकारी आदेश की आवश्यकता थी? ये जो पढ़े लिखे बेगैरत लोग हैं जो लोगों को भ्रमित कर रहे हैं बड़े पैमाने पर, इन्हें क्या आप देशद्रोही नहीं मानते? चलिए, आप प्रधानमंत्री के लिए, आपके दिल में नफरत है मत मानिए प्रधानमंत्री की बात जी,
थोड़ी देर के लिए मैं माने लेता हूं जी, लेकिन क्या ये अकेले जमावड़ा होने की बात है? आप तो लगातार जिस दिन से जमा हुए हैं और जिस आप दूसरों को कह रहे थे कि मौत के डर से भी मत छोड़ के भागो जी, लेकिन जब आपको पता चला कि आपके खिलाफ रिपोर्ट हो गई है तो आप मस्जिद छोड़ के भाग गए, और जब तक आप भागे हैं तब तक आप हर दिन लोगों को कह रहे हैं, और सिर्फ उनको नहीं कह रहे जो मस्जिद में हैं, बल्कि हर दिन अपने भाषण को यूट्यूब पे अपलोड कर रहे हैं, और आप लाखों लाखों लोगों को ये मैसेज दे रहे हैं कि कोरोना साजिश है, लॉकडाउन साजिश है जी। देशद्रोह, ये तो मानव द्रोह है बिल्कुल। ये इसकी जघन्यता, मैं कहता हूं शब्द कम, शब्दों में ये ताकत नहीं है कि वो शब्द इनके इस कुकर्म को पूरी तरह से चित्रित कर सके। अरे साहब, मेरे कुछ पत्रकार मित्र भी हैं जो लगातार इस तरह की बातों को सामने रखते हैं। मैं बड़ा सीधा सवाल आपके सामने रखता हूं, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की अगुवाई कर रहे हैं, तो क्या यह लाजमी है कि सिर्फ विरोध मात्र के लिए हर चीज को जायज ठहराया जाए, जो कि किसी भी तरीके से जायज ठहराए जाने लायक ही नहीं है? इस मानसिकता के बारे में आप क्या कहेंगे, क्योंकि यही मानसिकता आज जमात के समर्थन में खड़ी। मैं इसके लिए कहूंगा, एक अंग्रेजी का एक कोट है कि अनफेयर क्रिटिसिज्म इज ऑफ्टन अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, नोबडी किक्स अ डेड डॉग। जो लोग अनफेयर क्रिटिसिज्म करते हैं, अनुचित आलोचना, वो एक तरह से स्वीकार कर रहे हैं अपना फ्रस्ट्रेशन, अपनी उन्हें मालूम है कि उनको देश उनकी नहीं सुन रहा है जी, तो वो एक तरह से हारी हुई मानसिकता है। जो लोग आप आज इस संकट की घड़ी में विरोध कर रहे हैं, इस संकट की घड़ी में तो आपका दुश्मन से भी बड़ा दुश्मन देश ने प्रधानमंत्री चुना है, हम उसके पीछे खड़े होंगे, इसलिए कि हमें देश बचाने का सवाल है, हमें मानवता को, मानव जीवन को बचाने का सवाल है जी। तो लेकिन ये लोग, मैं इनके ऊपर बहुत वक्त नहीं बर्बाद करना चाहता, और मेरी आपको भी मशवरा है जी कि इनके ऊपर ज्यादा वक्त बर्बाद मत करिए। एक और सवाल जो मेरे जहन में बहुत घर कर रहा था, और वो ये कि 28 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल मौलाना साद से मिलते हैं, और उसके बाद से मौलाना साहब फरार हैं, क्या देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को मिलकर किसी को कहना पड़ेगा कि आप अपने मरगज से लोगों को बाहर निकालिए? क्या आज हम इस स्थिति में आ गए हैं कि 3-4 हजार लोगों की जिद के सामने देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को झुकना पड़ेगा? असल में बात यह है कि इस वक्त साधारण परिस्थितियां नहीं, तो स्थिति खराब ना हो जी, उस कारण मैं वहां हूं, मैं ये करूंगा नहीं करूंगा वो अलग मामला है बिल्कुल, लेकिन जो उस जगह है उसे बहुत सारी चीजें मालूम है जो मुझे नहीं मालूम जी, तो वो क्या किया वो अलग है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक बात कहता हूं जी कि ये जो बड़बोलापन करते हैं जी, ये जो धमकी की जुबान बोलते हैं जी, ये जो ये इसमें छुपी हुई हिंसा की जुबान है, अगर आप उन भाषणों को सुने तो जी, ये कितने बहादुर हैं इससे पता चल गया कि उस रात में गायब हो गए बिल्कुल। तो इसमें एक बड़ा भारी मैसेज है जी, मैसेज ये है कि हमारे बहुत से लोग इनकी ताकत को जरूरत से ज्यादा आंकते हैं और इनसे थोड़ा घबराते हैं जी, और इनको थोड़ा चाहते हैं कि ये नाराज ना हो, ये हर मौके पे एक्सपोज हुए हैं। जब कहीं बिल्कुल एक जैसे स्मॉल टाउन बुली होता है ना, आपको धमकाता है, आप पलट के जवाब में खड़े हो जाइए, वो बुली भाग जाता है, ये बुली की तरह बिहेवियर है इन लोगों का, इसलिए इन्होंने ये हमारे लिए बहुत बड़ा सबक है बिल्कुल। 1986 में इन्होंने इसी तरह की धमकियां दी थी जी, सरकार ने उसके सामने घुटने टेक दिए, ये मेन स्ट्रीम के मालिक बन गए बिल्कुल, और वहां से हालात खराब होने शुरू हुए जी। एक लेसन इसमें यह है कि इनकी नाजायज धमकियों को हरगिज उसको उससे ना डरना चाहिए ना उसको कबूल करना चाहिए, बल्कि जहां कोई कानून तोड़ने, देखिए कानून की बी यू एवर सो हाई द लॉ इज अबव यू। एक आखिरी सवाल आरिफ साहब,
आप इतने प्रबुद्ध हैं, आपकी लाइब्रेरी देखकर ही हम जैसे लोग काफ़ी प्रभावित रहे हैं और आपसे बातचीत करके तो बहुत कुछ समझ में भी आया। हिंदुस्तान के मुसलमानों को मौलाना और उलेमा की चुंगल से छुड़ाने के लिए आप क्या कहेंगे? क्या वो संदेश है जिसके जरिए आपको लगता है कि हिंदुस्तान के मुसलमान ये समझें कि ये मौलाना और उलेमा ही उनके सबसे बड़े पतन का कारण है? मैं इसमें दो बातें कहूंगा। पहली बात तो कहूंगा, मैंने आपको बताया कि आलिम की डेफिनेशन परिभाषा क्या है जी, उस पर ये कहीं पूरे नहीं उतरते, ये तो खुद अपने आप को डिक्लेयर करते हैं। इनके लिए मौलाना आजाद ने एक बड़ा खूबसूरत वाक्य कहा है। मौलाना आजाद ने कहा है कि ये जो खुद अपने आप को जो ये अपॉइंट बनाए हुए उलमा घूमते हैं, नाम निहाद उलमा, इनकी वजह से इस्लाम हर दौर में सिसकियां लेता रहा है। लेकिन दूसरी, ये तो मैंने आपको बताया जो मौलाना आजाद ने कहा जी। अब आप मुझसे पूछ रहे हैं मैं मुसलमानों को क्या कहूंगा। मैं कुछ भी नहीं कहूंगा, मैं आपको कहूंगा, मैं अपने आप को कहूंगा, मैं उन लोगों को कहूंगा जो जिम्मेदार हैं। हम एक बात जान लें अच्छी तरह कि जब तक हम लोगों की शिक्षा का इंतजाम नहीं करेंगे जी, शिक्षा से ही चेतना आएगी जी, चेतना से फिर बुद्धता आएगी और तब ये जंजीरें जो लोगों के पैरों में डाल दी गई हैं, ये जंजीरों को केवल शिक्षा, चेतना और प्रबुद्धता उन जंजीरों को तोड़ सकती है। कोई व्यक्ति नहीं तोड़ सकता।